चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। ये तो देखो एक बच्चा जो इसको करेगा और एक बच्चा जो ये फार्मूला ही रट लिया क्योंकि याद है उसको, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बार बार यूज होने वाला चीज है। गामा की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सी बी अपन सी पी गामा इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम सबको पता है पहले से ही कि सी बी जो होती है, सी बी एफ आर बाई टू होती है, और सी पी जो होती है वो आर एफ बाई टू प्लस वन होती है, क्योंकि सी पी माइनस सी बी आर होती है। ठीक है, ये वाला गामा क्या होता है, सी पी अपन सी पी। तो सी पी अपन सी पी गामा निकालने के लिए अगर आपको ये याद है और ये नहीं याद है तो इसको यहां से निकाल सकते हो। तो गामा इज इक्वल टू सी पी अपन सी बी, तो एफ आर बाई टू यहां से मैं देखो आर बाई टू और यहां से आ जाएगा एफ आर बाई टू प्लस ये तो आदत तुम्हारी खराब होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़े नहीं। देखो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सी पी अपन सी बी गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखना। बहुत सारे बच्चों को तो फार्मूला याद होगा यार, है ना। हमें सब पता है कि सी पी जो होती है, सी बी होती है, वो एफ आर बाई टू होती है। तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू, सी पी की वैल्यू आ जाएगी वो आर और एफ बाई टू प्लस वन। दिस इज द सी पी और दिस इज द सी बी। ये तो मैं याद करके आया था भाई, रट के आया था। तो गामा इज इक्वल टू सी पी अपन सी बी, तो सी पी की वैल्यू आर एफ बाई टू प्लस वन एफ आर और बाई टू। तो ये आर ने आर को खत्म कर दिया, तो ये टू एफ और एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ने टू को खत्म कर दिया, तो वन प्लस टू अपॉन एफ, दिस इज द वन प्लस टू अपॉन एफ। एक्चुअली वन प्लस टू अपॉन, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को एन से रिप्रेजेंट किया है, बट ये है कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट